अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सीरियसली क्यों नहीं सुनते हो? सुन तो रहा हूँ यार श्रुति, तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रेवा हमारे साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। मैं पागल हो जाऊंगी राज उसके बारे में सोच सोच के। मैं अभी भी तुमसे कह रही, तुम उसे अगर इस घर से नहीं निकालोगे ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार तुझे जो करना है तू कर, बस मेरा सर मत खा। मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं इस घर में रहूं या नहीं। ठीक है, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूं। बाय बाय श्रुति दीदी, टाटा। हम ना आपको लिख के दे सकते हैं कि जीवन में पहली बार आपने कोनो फैसला अपने दम पर बिल्कुल सही किया है, और आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या होगा आगे? आप हमसे पूछ रही हैं, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। वही होगा जिसका आपको डर है और जिस डर से आप हमें इस घर से निकलवाना चाहती थी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप, और वैसे भी आपके जाने के बाद हमारे रास्ते में भी तो कोई रुकावट नहीं होगी ना, और उस सब हमरा होगा जिसके सपने आप देखती हुई आ रही हैं। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए, और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें? तो अपना आप अपना ज्यादा दिमाग मत चलाइए। अब जब यहां से बाहर जाने के लिए कदम उठा ही चुकी हैं, तो बाहर भी चले जाइए। जाइए जाइए जाइए, हमारा रास्ता और आसान कर दीजिए। श्रुति कहाँ चली गई? श्रुति, कहीं नहीं गई थी और कहीं जाएगी भी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? क्या करने जा रही है तू? जा रही हूं नहीं, जा रही थी। बहुत बड़ी गलती करने पर बच गई। मतलब तू कहीं जा रही थी? हाँ, ये घर छोड़कर, पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे और रेवा के बीच में क्या चल रहा है। अच्छा, तो मुझे भी बता दे क्या चल रहा है। ज्यादा ना बनो मत राज, रेवा मिली थी अभी मुझे बात, और उसने मुझे सब बता दिया है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हे भगवान, रेवा ने कहीं हमारी शादी वाली बात तो नहीं बता दी इसे? क्या बताया उसने तुझे? उसने जो भी बताया वो तो रहने दो, पर तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर तो लग रहा है कि उसने जो भी बताया है बिल्कुल सच बताया। अब तो मुझे भी यकीन होने लग गया है कि तुम्हारे और रेवा के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तभी तुमने उस दिन मेरी झूठी कसम भी खा ली थी, क्योंकि तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता है ना राज।
श्रुति श्रुति श्रुति, क्यों करती है तुम मुझसे इतना प्यार जो मुझ पर ही शक करने लगे? हाँ चल आप बैठ, हम बात करते हैं। आना बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। देख श्रुति, तुझे मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दे, नहीं तो तेरा तो पता नहीं लेकिन मैं जरूर पागल हो जाऊंगा एक दिन। श्रुति, मेरी लाइफ में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और खासकर वो रेवा जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ कम यार, मुझे पता है राज, तुम बस मुझसे प्यार करते हो। I love you too. सब तुम्हारा है कमाल, बोलो जय श्री महाकाल। अच्छा हुआ संकरा कि एंजल हमें रास्ते पे ही मिल गई, वरना आज तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। रेवा दीदी, रेवा दीदी। क्या हुआ एंजल? मुझे आपको एक बात बतानी है। कैसी बात? एक सीक्रेट बताना है मुझे। कौन सा सीक्रेट? अभी मैंने राज चाचू को और सूटी चाचू को लड़ते हुए देखा, आपका नाम लेते हुए। उन्होंने पूरा झगड़ा और सूटी चाची तो घर छोड़कर जा रही है। कहा? एंजल बेटा, आपने अपना ये सीक्रेट हमको बता दिया ना, लेकिन अब अपना ये सीक्रेट किसी को मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर आपको मुझे फ्रेंच फ्राइज खिलाना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको फ्रेंच फ्राइज बना के खिलाएंगे। हमें माफ कर देना संकरा, लेकिन श्रुति दीदी को इस घर से जाने से रोकने के लिए हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं था। हम कभी भी इन दोनों के रिश्ते के टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। हम बस तब तक इस घर में हैं जब तक कश्मीरा दीदी का सच सबके सामने नहीं ला देते, और सहरी साहब और उनके पापा के रिश्ते के बीच की गलत फहमी दूर नहीं कर देते। तुम बस हमारा साथ देना। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। आपका इस घर से चले जाना ही सही है, क्योंकि आगे जो भी होगा वो तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगी ना। और कितना समय लगेगा हमें आपकी चीजों पे अपना नाम लिखने के लिए? और आप तो रहेंगे नहीं ना यहाँ, तो कौन रोकेगा हमें? तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता राज। रेवा, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।
दे। मेरी सारी चीजें मुझसे छीन लोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी। पहले तुमने मेरे मॉम डैड को इंप्रेस किया, फिर राज के घर वालों को इंप्रेस किया, और अब राज, मेरा राज। सोच भी कैसे लिया तुमने। एक बात याद रखना, अगर श्रुति राज के लिए जान दे सकती है तो जान ले भी सकते हैं। गुड बाय रेवा। काश ये सपना नहीं हकीकत होता, तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक ही रात में सॉल्व हो जाती। देखिए मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है मैम। जी ठीक है, नहीं मैं अब आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, कर्जदार बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? इस कश्मीरा ने तो सब कुछ खराब कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है ना जी। कश्मीरा, आप यहाँ क्यों आए पापा? मुझे बुला लेते। नहीं, इतना सब्र नहीं हो पाया मुझसे। ये सब क्या है कश्मीरा? बिजनेस के बारे में बात ही नहीं हो पाई थी मां से। मुझे जानना ही होगा कि खून पसीने से बनाए हुए बिजनेस की हालत ऐसी कैसे होनी थी उन्होंने। चाहे जो हो जाए, आज मैं दीमा से बात करके रहूंगा। मेरे खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस बर्बाद कर दिया तुमने। मेरा ऑफिस, मेरा घर, सब कुछ गिरवी रख दिया। यहां तक कि कर्जदार मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? क्या किया इतने पैसों का? मुझे मेरे एक एक पैसे का हिसाब दो। चौहान कंस्ट्रक्शंस अर्श से फर्श तक कैसे आया इसका जवाब दो। जवाब चाहिए आपको? तो सुनो मिस्टर दिग्विजय सिंह चौहान, 20 साल तक जब तुम यहां पे नहीं थे ना, तो मैं थी ये सब कुछ संभालने के लिए। कंपनी को जिस कबाड़ खाने में डाल कर गए थे ना, मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया। और ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, उनके साथ साथ पूरे परिवार का ख्याल रखा, कभी किसी को कोई कमी नहीं होने दी मैंने, सच्ची। और ये जो आपका बेटा है ना राज, उसे राजकुमार बनाकर रखा है मैंने। और 20 साल बाद वापस आके मेरा एहसान मानने के बजाय आप मुझसे बोल रहे हैं। आपको जवाब चाहिए। देखो कश्मीरा, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ।
मुझे मेरा सारा पैसा और बिजनेस वापस चाहिए, वैसे ही जैसे मैं छोड़ कर गया था। ना 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 ना, वो तो आपको बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत तुमने की है उससे कहीं ज्यादा मैंने मेहनत की है इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। सो कायदे से सब कुछ मेरा है। गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि ये सब कुछ राज का था, उसका है और उसी का रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ! इस सारी कंपनी और प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ राज है। आपको पता है, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये सब कुछ मेरा है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। पापा, तुम्हें और तुम्हारे उस बेटे राज को, राज मरेगा और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो इसलिए ये थी कश्मीरा की कहानी की हैप्पी एंडिंग, जो कि उस राज का नामो निशान मैं बहुत जल्द मिटा दूंगी इस दुनिया से। ये यहां क्यों आए थे? मतलब तुमने कुछ सुना नहीं? दीमा, ईयरबड्स पहने हुए थे मैंने, और वैसे भी इस आदमी की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना, नहीं तो मेरे सारे अरमानों पर पानी भर जाता। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। राज कहने के लिए वो हमारे पापा हैं, लेकिन इतनी अजीब सी बातें करते हैं, दुश्मनों से भी बदतर बातें करते हैं वो। क्यों, कुछ कहा उन्होंने आपसे? नहीं, लेकिन क्या बताऊं मैं तुझे, सच तो ये है कि ऊपर से नीचे तक ना सिर्फ लालच भरा है उनमें। तुझे पता है अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कह रहे थे वो, कि वो वापस आ गए हैं तो प्रॉपर्टी और बिजनेस वो हैंडल करेंगे। उनका कहना है कि उनके आने से पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तुझे पता है ना राज, ये सब मैं नहीं देख सकती। तेरी दीमा चाहती है कि सब कुछ तू संभाले, सब कुछ तू देखे, तेरे नाम पर हो। अभी अभी मुझे धमका कर गए हैं कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो राज के लिए ठीक नहीं होगा। What? हद होती है बेशर्मी की भी, ये होते कौन है मेरी मां की जायदाद पर अपना हक जताने वाले? आप याद रखिए दीमा, इस बिजनेस में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो कुछ मेरी मां का था उनके बाद मेरी दीमा का होगा। बस बात खत्म, जो करना है उन्हें कर ले। राज, राज ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
थोड़ी कमजोरी सी लगेगी बस। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, वो हमें आपसे पूछना था कि अभी जहर का थोड़ा बहुत असर तो होगा, तो श्रुति दीदी के पति के लिए अभी के लिए खाने में हम क्या बना सकते हैं? हाँ एक मिनट, हम लिख लेते हैं। हरी सब्जियों का सूप, तला भुना नहीं लेना है, मीठा भी कम से कम। हाँ खिचड़ी भी ठीक रहेगी। सही कह रहे हैं आप, खिचड़ी खानी है। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, उनके लिए बनाएंगे तो हम भी खा लेंगे। जी धन्यवाद। अरे आज तुम खाना बना रहे हो? वो दादी जी, हमारी डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि श्रुति दीदी के पति को अगर सब्जियों का सूप पिलाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस इसीलिए। कितनी चिंता करती है तू मेरे राजवीर की, पर तू ये सब क्यों कर रही है? ललन से कहती वो बना देता। तुझे भी तो आराम की जरूरत है ना बेटा। अरे नहीं दादी, हम आराम करेंगे तो हमारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, हमने अपने गाँव का शुद्ध दूध और घी खाया है, हमें कुछ नहीं होगा। तुझे पता है बेटा, कल रात जो भी हुआ ना, हम बहुत डर गए थे, पर तू और मेरा राज मौत को छूकर वापस आए हो। ऐसा लगता है इसमें भोलेनाथ की जरूर कोई मर्जी है। दादी जी, आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो ना बेटा। दादी जी, वो अंकल जी 20 साल तक कहाँ थे?